नमस्कार, मैं विकास। और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। स्टूडियो में हम आपको बहुत बड़ा जानकारी देंगे ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव। जो भी स्टूडेंट्स 2021-22 बीएड पोस्ट मैट्रिक के आवेदन किए हुए हैं, स्कॉलरशिप को फॉर्म भरे हुए हैं, उन लोग के लिए खास करके अपडेट होने जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जो भी नया अपडेट्स है वो आपको मालूम चल सके। और चैनल पर पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि स्कॉलरशिप का हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिलता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं अपडेट्स के लेकर के। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स बीएड एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए फॉर्म भरे हुए हैं ई कल्याण के पोर्टल पे और उनका आवेदन अभी तक कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड नहीं किया गया है, तो आप आज अभी के अभी कॉलेज जाकर के अपना आवेदन को वेरीफाइड करा लीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट बचा हुआ है कॉलेज को आवेदन को वेरीफाइड करने के लिए। अगर आपका किसी कारण से पेंडिंग है कॉलेज के द्वारा, तो आप अपना आवेदन को सुधार कराइए और आज के आज कॉलेज जाकर के अपना आवेदन को तुरंत छुड़वाइए, नहीं तो फिर आपका कॉलेज चाह करके भी कल से नहीं छोड़ सकता है आपका आवेदन को, ठीक है, वेरीफाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वेरीफाइड करने का डेट खत्म हो चुका था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को छूट गया था, जिस कारण से फिर से मौका दिया गया था 12/12/2023 से लेकर के 23/12/2023 तक, यानी कि आज लास्ट डेट है। और आपका कॉलेज के द्वारा पेंडिंग है या अभी तक आपका आवेदन कॉलेज के द्वारा बीएड कॉलेज के द्वारा वेरीफाइड नहीं किया गया है, तो अभी के अभी तुरंत कॉलेज जाइए और अपना आवेदन को वेरीफाइड करा लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आपको पैसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आप अभी के अभी अपना स्टेटस को चेक कीजिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ई कल्याण स्कॉलरशिप का हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ।